तो दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्निकल राजेश में। सो दोस्तों, आप लोगों ने इतना अच्छा यहां पे प्यार दिया, नया साल जैसे आता है और आप लोग यहां पे कंटिन्यू मेरे साथ में जुड़ते जाते हैं। और यहां पे दोस्तों 7 दिन के अंदर मेरे चैनल पर आप लोगों ने इतना अच्छा प्यार दिया कि मेरा चैनल मोनेटाइज की कंडीशन में आ गया था। मेरा वॉच टाइम भी कम्प्लीट हो गया था और सब्सक्राइबर भी कम्प्लीट हो गया था, बट उसको मैंने जैसे ही अप्लाई किया, न्यू ईयर मेरे साथ में न्यू खुशखबरी आई थी, मैंने जैसे ही अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद दोस्तों मेरे चैनल पे एक स्ट्राइक आ जाती है तुरंत। तो वो दोस्तों यहाँ पे क्यों हुआ था, और मेरे चैनल पे आप लोग कंटिन्यू देखे होंगे कि मैं 7 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, ना तो कोई पोस्ट कर पा रहा था और ना ही मैं लाइव आ पा रहा था। इसीलिए मैंने अपने आप दूसरे चैनल के माध्यम से आप लोग को मैंने बताया था कि मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ चुकी है। तो अब आज दिन वो आ चुका है, मैं आप लोग को बताऊँ यहाँ पर क्या क्या मेरे साथ में हुआ था। तो ये सारा कुछ जानने के लिए वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके भाई के साथ में न्यू साल में बढ़िया सा मौका आता है और आपका मेरा चैनल का वॉच टाइम और सब्सक्राइबर सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है, और कंप्लीट होने के साथ साथ में मैं उसको अप्लाई कर देता हूँ मोनेटाइजेशन के लिए। बट दोस्तों वहाँ पर होता ये है, जैसे ही मेरे दोनों स्टेप कम्प्लीट होते हैं, एक पार्टनर और आपका एडसेंस के लिए, मैंने जैसे ही इन दोनों के लिए अप्लाई किया, दोनों कम्प्लीट हो गया। अब जो तीसरा स्टेप आता है उसमें वेरिफिकेशन होता है अच्छे से, ठीक है। तो मैंने उसको अप्लाई किया और 24 आवर्स का मैंने वेट किया। A few moments later. तो दोस्तों 24 आवर्स क्या, मेरे चैनल पे मैंने रात में अप्लाई किया 2 बजे के आसपास, बट वो मॉर्निंग में मेरे उस चैनल पे फिर से दोबारा से आती है वहाँ पे स्ट्राइक। अब दोस्तों वहाँ पे स्ट्राइक क्यों आई, मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों स्ट्राइक इसलिए आई, मेरे चैनल पर आई थी क्योंकि दोस्तों हमने बहुत पहले कई सारे ऐसे वीडियो बनाते पैन कार्ड के ऊपर। तो पैन कार्ड के ऊपर एक दोस्तों हमने वीडियो बनाया था, स्टेटस कैसे चेक करते हैं कि हमारा पैन कार्ड अभी कहाँ पे है और क्या कंडीशन है उसकी, बना कि नहीं बना या डिस्पैच हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हमने सारा कुछ वहाँ पे बताया हुआ था। तो दोस्तों उसमें क्या हो गया था कि उसमें जो हम लोग एक कूपन नंबर लिखते हैं, उस कूपन नंबर वहाँ पर शो आउट हो गया था, और जिस भाई का हमने चेक करके बताया था उसका वहाँ पर नाम भी शो आउट हो गया था। तो दोस्तों यूट्यूब की जो पॉलिसी थी पहले के टाइम पर ये नहीं था, बट वो हमारा जो वीडियो था वो 7 से 8 महीना पहले का था, और जो अभी करंट टाइम पे यूट्यूब की जो पॉलिसी आई थी कि उसमें आप किसी का डाटा आप शो आउट नहीं कर सकते, यहाँ तक आप किसी का नाम भी शो आउट नहीं कर सकते, किसी का आधार कार्ड, किसी का पैन कार्ड, किसी का पासपोर्ट, किसी का ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारा कुछ आप शो आउट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों जब हमने इसके लिए अप्लाई किया था, तो अप्लाई करने से पहले मेरे चैनल पर दोस्तों यहाँ पर समथिंग यहाँ पर 270 के आसपास वीडियो थे, 270 वीडियो दोस्तों थे। और जब हमने उसको अप्लाई किया तो तब मेरे चैनल पर जो वीडियोज बचे हुए थे 235 वीडियोज। अब दोस्तों यहाँ पे आपके भाई ने रात भर जाग के सारे वीडियो हमने चेक किए, सारे में अपना हैशटैग थंबनेल मैंने सारा कुछ चेंज किया, ठीक है। यहाँ तो मेरे चैनल कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट उसके बावजूद हमने वहाँ पे सबके डिक्लेरेशन लगाया वहाँ पे, ठीक है, जो भी नोटिफिकेशन होता है वो भी सारा कुछ वहाँ पर डाला, और जो एक दो वीडियो थे किसी के हमने फ़ोटो यूज किया हुआ था तो फोटो भी, अब उस वीडियो को भी हमने डायरेक्ट डिलीट कर दिया, हमने समथिंग वहाँ पर 20 से 25 वीडियो वहाँ पर डिलीट कर दिए थे। उसके बावजूद एक वीडियो छोटा सा बच जाता है, और ये अप्लाई करने के जैसे ही अप्लाई मैं करता हूँ, दो स्टेप कंप्लीट होते हैं और तीसरे में यूट्यूब दे देता है स्ट्राइक। तो ये दोस्तों यहाँ पे एक देखा जाए तो मेरी तरफ से ही गलती थी उसमें, ठीक है, और अगर एक तरफ से देखें तो उसमें यूट्यूब की भी गलती थी, क्योंकि दोस्तों पहले की जो पॉलिसी थी वो एक अलग थी और अभी की जो पॉलिसी थी वो एक अलग थी। तो दोस्तों होता क्या है कि आप जब भी यूट्यूब पे आप आ रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल सोच संभल के यहाँ पे काम करिए, क्योंकि मेरे साथ में दोस्तों यहाँ पे मैं अभी तक में 500 वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, और बनाने के बाद मैं 250 वीडियो डिलीट भी कर चुका हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद दोस्तों यहाँ पे 1.5 साल होने के बाद फिर मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। उसका रीजन दोस्तों बहुत सारे रीजन ऐसे थे, बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नहीं हुआ था। चलिए उसको छोड़ते, उसको हम बाद में बात करेंगे। अब हम दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं और क्या मेरे साथ में हुआ था। तो दोस्तों ये क्या हुआ, जैसे ही मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ जाती है, स्ट्राइक आने के बाद दोस्तों मैं 7 दिन के लिए मेरे चैनल पे सब कुछ बंद हो गया था। आप लोगों ने देखा होगा मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें से हमने इस श्रम कार्ड के बारे में बताया हुआ था, ठीक है। उसके पहले मैं मेरा 7 से 8 दिन का गैप था कि दोस्तों मेरे चैनल पे आ गई थी स्ट्राइक, और वो एक्टिव स्ट्राइक थी कम्युनिटी गाइडलाइंस की, ठीक है, और कोई बाहरी स्ट्राइक नहीं थी, कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक थी। इसलिए मेरे चैनल पे 1 हफ्ते के लिए लाइव वीडियो पोस्ट, ठीक है, कम्युनिटी टाइम में पोस्ट, ये सारा कुछ मेरा बंद हो गया था। तो दोस्तों मैंने दूसरे चैनल माध्यम से आपको बताया था कि मैं जब मेरा मेन चैनल खुल जाएगा तो मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा। तो दोस्तों ये मेरे साथ में ऐसा हुआ था, और दोस्तों अभी भी मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और अभी हमने कल दिया था तो उसमें रेटेक के लिए ऑप्शन आया हुआ है, तो मैं उसको बहुत ही जल्दी दोबारा से अप्लाई करूँगा। मेरा जो अभी का करंट टाइम का जो वॉच टाइम दोस्तों है वो मेरा समथिंग 5000+ है,
मतलब 5000 घंटे प्लस वॉच टाइम है मेरा, और सब्सक्राइबर भी मेरे 1500 के आसपास कंप्लीट है। दोस्तों अभी भी मैं एलिजिबल हूँ, बट मैं अभी उसको अप्लाई दोबारा से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब तक मैं पूरा चेंज नहीं कर लूँगा कुछ भी, अब एक भी प्रॉब्लम नहीं, जबकि मेरे चैनल पे एक भी प्रॉब्लम अब नहीं है, बट मैं अप्लाई करने से पहले मैं उसको सारा कुछ चेक कर लूँगा, रीटेक कर लूँगा, फिर से चेक करूँगा, क्योंकि अब ये दोबारा मौका नहीं, मुझे नहीं गंवाना, क्योंकि जब हमने अप्लाई किया था तो उसके बाद जो मेरे पास नोटिफिकेशन आता कि मुझे 3 महीने बाद ही मौका मिलेगा, बट जैसे ही वहाँ पे जो वीडियोज़ की मैं आती तो मैं उस वीडियोज़ को यूट्यूब में डिलीट कर दिया था। तो हमारे पास वहाँ पे अपील का ऑप्शन आता है, तो हमने इसको अपील नहीं किया था, हमने खुद ही उसको डिलीट मार दिया। हमने सोचा छोड़ो अपील करेंगे, बात करेंगे, बहुत ही टाइम लग जाएगा, पता नहीं फिर बाद में होगा कि नहीं होगा, एक ही स्ट्राइक है, चलो छोड़ देते हैं। तो हमने वीडियोज़ को डिलीट भी कर दिया उसको, हम कहा बाद में देखेंगे उसको, बाद में अप्लाई मारेंगे। तो दोस्तों ये सारा कुछ हमने वहाँ से कर दिया। अब मुझे वहाँ पे मैंने फिर वहाँ पे ऑप्शन आता है ठीक है आप रीटेक के लिए, तो मैंने रीटेक का जैसे ही अप्लाई किया तो उन्होंने बोला है कि आप 3 से 4 दिन बाद उसको रीअप्लाई कर सकते हो ठीक है। तो दोस्तों अभी मेरे पास से 1 हफ्ता कंप्लीट हो चुका था, और अभी 3-4 दिन हो गए, 1 हफ्ते बाद आप रीअप्लाई कर सकते हो। तो 3-4 दिन मेरा बीत गया दोस्तों, और मेरा अब जो दूसरा आएगा ठीक है, अभी 4 दिन और बाकी रह गए हैं, मैं 4 दिन बाद फिर से अप्लाई कर पाऊँगा मोनेटाइजेशन के लिए। तो दोस्तों तब तक आप मेरे चैनल पे कंटिन्यू प्यार बनाए रखिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग वॉच टाइम और व्यूअर आप लोग के ही माध्यम से आता है, तो आप लोग कंटिन्यू प्यार बनाए रखिएगा, आपका भाई फिर से अप्लाई करेगा और चैनल मोनेटाइज करेगा, बस आप लोग की बदौलत। तो अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी फ्रेंड को शेयर कर देना, जिससे दूसरे की गलती ऐसी ना हो और उनका चैनल डीमोनेटाइज होने से प्रॉब्लम ना हो ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे न्यू वीडियो के साथ में।